Press the subscribe button, press the bell icon, you will receive all the notifications. आज हम बनाएंगे होममेड व्हिप क्रीम। होममेड व्हिप क्रीम जो है कि हम केक बनाने के लिए या फिर पुडिंग्स बनाने के लिए और भी स्वीट डिश बनाने के लिए काम में लेते हैं। इसके लिए मैंने लिया 1 कप पाउडर शुगर। आप चाहें तो पाउडर या आइसिंग शुगर कुछ भी ले सकते हैं जो इजीली अवेलेबल हो। और फ्रेश क्रीम ये मैंने अमूल की ली है, आप चाहें तो कोई भी ब्रांड की ले सकते हैं। इसे मैंने फ्रेश क्रीम को 12 आवर्स के लिए फ्रीज में रखा था। और वनीला एसेंस, एक भगोना लिया है जिसमें आइस है, ये एक भगोना लिया है जिसमें हम हमारी क्रीम निकालेंगे। इसके इस भगोने को मैंने फ्रीज़र में रखा था ठंडे होने के लिए। बर्तन एकदम ठंडा होना चाहिए आपका। इसके अंदर हम हमारी क्रीम निकालेंगे और क्रीम में जो एक्सेस वाटर होगा इसको हम अलग से निकाल लेंगे, हमें इसको यूज़ में नहीं लेना है। इसमें हम हमारी सारी क्रीम जो है वो खाली करेंगे और जो भी एक्सेस वाटर होगा उसको हम निकाल लेंगे। अब हम इसे एक भगोना लेंगे जिसके अंदर बर्फ़ रखेंगे और बर्फ़ वाले भगोने के ऊपर हमारा क्रीम वाला भगोना रखेंगे। ये मैं जो है मिक्सर से बना रही हूँ। इसको हमें 3 मिनट के लिए एक ही डायरेक्शन में स्लो स्पीड पे चलाना है। जब आपकी क्रीम थोड़ी सी थिक हो जाए, जब हम इसके अंदर एसेंस वनीला एसेंस और पाउडर शुगर मिलाएंगे, इसे एक ही डायरेक्शन में आपको मूव करते जाना है। अब हम इसमें मिलाएंगे फ्यू ड्रॉप्स वनीला एसेंस और हमारी पाउडर शुगर। आप चाहें तो आइसिंग शुगर भी ले सकते हैं। और आप अपने जो नीचे आपका बर्फ़ का भगोना है उसमें मेक श्योर करते रहें कि बर्फ़ जो है वो मेल्ट हो रही है, तो आप इसे और डाल दें, क्योंकि ये हमारे अभी जो थोड़ा हॉट डेज़ हैं तो इसलिए हमारी जो व्हिप क्रीम है उसको बनने में टाइम लगता है। और इसके लिए हमें एकदम बर्फ़ वाला भगोना ही चाहिए जिसपे इसका जो टेम्परेचर है वो ठंडक जो है मेंटेन रहे। तो आप मेक श्योर करें कि आप इसको ठंडक वाली जगह पे ही बनाएं, मतलब एक भगोने में बर्फ़ डाल लें और फिर उसको बनाते रहें, और उसमें जैसे जैसे वो मेल्ट होती जा रही है वैसे वैसे आप इसमें और बर्फ़ डालते जाएं। देखिए इस प्रोसेस में हमें कम से कम 10 मिनट लग जाता है। अभी भी देखिए इसमें अभी थोड़ा टाइम और लगेगा, टोटल आपको 10 से 15 मिनट इसमें इजीली लग जाते हैं। अब हमारी व्हिप क्रीम जो है बनके रेडी हो चुकी है। देखिए व्हिप क्रीम बनके रेडी है, ऐसे करने पे ये इजीली गिर नहीं रही है। आप इस तरीके से इसको चेक कर सकते हैं। अगर आपकी ये गिरती है व्हिप क्रीम तो इसका मतलब ये है कि इसे अभी आपको थोड़ा और चलाना पड़ेगा, और अगर ये ऐसे नहीं गिर रही है तो इसका मतलब ये आपकी जो व्हिप क्रीम है वो रेडी है। व्हिप क्रीम बनते ही आप इसे एक बाउल में खाली करके फ्रीज़र में रख दें, अदरवाइज आपकी जो क्रीम है वो मेल्ट होने लग जाएंगी। जब आप इसको यूज़ लें तभी इसे आप फ्रीज़र में से निकालें। व्हिप क्रीम इज़ रेडी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब मिस पूजा कुकिंग।